हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच वर्सेस फायरबोल्ट क्वांटम स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें आपको क्या डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा और आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाती, क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिजाइन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा, फीचर में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन प्राइसिंग में करंट में देखा जाए तो आपको 300 से 400 रुपए का डिफरेंस जो है मिल जाएगा। तो आपको कौन से स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, किन के लिए कौन से स्मार्ट वॉच बेस्ट हो जाती है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। और आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग बातें करते रहते। तो वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेकर आते रहता हूँ और आपके बजट के हिसाब से बताते रहता हूँ कि आपका जितना पैसा लग रहा है उस हिसाब से प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो वो वर्थ है या नहीं, फीचर, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज। तो ऐसी वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये दोनों ही स्मार्ट वॉच आपको स्टेनलेस स्टील यानी कि फुली बॉडी आपको प्रीमियम स्टेनलेस स्टील की मिल जाएगी और दोनों स्मार्ट वॉच आपको सर्कुलर डायल शेप में मिल जाएगा। तो डिजाइन आपको सेम मिल जाएगी, डिफरेंस क्या मिलेगा इनके नेविगेशन बटन को लेकर। इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच में आपको 3 बटन दिया गया, 2 यहाँ पे फ्लैट पुश बटन है और 1 है सर्कुलर क्राउन रोटेटरी बटन, जबकि क्वांटम स्मार्ट वॉच में आपको सिंगल सर्कुलर टैप बटन दिया गया। तो यही डिफरेंस निकल कर आ जाता है। लेकिन क्वालिटी देखा जाए तो दोनों स्मार्ट वॉच की क्वालिटी आपको लग्जरी देखने मिल जाएगी और काफी प्रीमियम देखने में मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच में क्या है कि आपको 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया, 416x460 का पिक्सल रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल जाएगा, 60Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाएगा और 600 nits का पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट जो है मिल रहा है। साथ ही साथ में 120+ इनबिल्ट वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल रहा है, यानी 120 आपको इनबिल्ट दिया रहेगा, क्लाउड से आप मल्टीपल डाउनलोड कर सकते हो और उसी के साथ साथ 7 मेनू स्टाइल का सपोर्ट जो है मिल रहा है और पासवर्ड पिन लॉक का सपोर्ट जो है दिया गया। तो ये फीचर इसमें मिलने वाला है। जबकि क्वांटम स्मार्ट वॉच में देखा जाए तो इसमें आपको 1.28 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है, एमोलेड नहीं मिल रहा है, 240x240 का पिक्सल रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल रहा है और इसमें भी आपको 500 निट्स का पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया और मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट इसमें भी दिया गया। साथ साथ में आपको 2-3 UI का सपोर्ट इसमें भी मिल जाएगा और इसमें आपको पिन पासवर्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेस्ट डिस्प्ले निकल कर आ जाती है फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच की। बड़ी भी मिलेगी और क्वालिटी भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में। तो इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टैक्ट से कॉलिस्टी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोनों स्मार्ट वॉच से आप कॉल वगैरह पे बात कर सकोगे। अब स्टोरेज देखा जाए तो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच में आपको 4GB का स्टोरेज मिल रहा है, यानी आपकी स्मार्ट वॉच में 4GB का स्टोरेज मिल जाएगा, जबकि क्वांटम में आपको सिर्फ और सिर्फ 128MB का स्टोरेज मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम निकल कर आ जाता है। लेकिन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको TWS कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल रहा है, यानी जो बर्ड्स होता है यहाँ पे वो दोनों स्मार्ट वॉच से पेयर करा सकते हो, तो गाने को स्टोर करके इससे आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज कम है तो क्वांटम में आपको 10, 20 या 30 गाने को स्टोर करके रख सकते हो, जबकि इनविंसिबल में क्या है कि आपको 4GB का स्टोरेज मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आ जाता है। बात करें इनके हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में तो सेम दिया गया, SpO2 रियल टाइम हार्ट मॉनिटरिंग, स्लीप ब्रीथ स्टेटस और फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का प्रोडक्ट आपको दोनों मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मोड को देख लीजिए तो इसमें आपको डिफरेंस मिलने वाला है। क्वांटम में क्या है कि मल्टीपल स्पोर्ट्स मिल रहे हैं तो काउंट नहीं किया गया, आपको कितने भी मिल सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच में आपको 300+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आ जाता है। दोनों स्मार्ट वॉच में IP67 यानी हल्का फुल्का पानी, पसीना, बौछार वगैरह लग जाता है तो चल जाएगा, फुली वाटर में यूज मत करिएगा, खराब होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। 7 to 10 days का दोनों में बैकअप दिया गया और ब्लूटूथ कॉलिंग को हैवी यूज करोगे तो 1 से 2 दिन कंपनी क्लेम करती है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्मार्ट वॉच 4 से 5 दिन चलेगी और यहाँ पे हैवी यूज करोगे तो 1 दिन मैक्सिमम। साथ साथ में अदर फीचर को देखा जाए तो वॉइस असिस्टेंट का फीचर आपको दोनों में दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए तो इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच में आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर का भी फीचर जो है मिल रहा है, जबकि ये क्वांटम में नहीं दिया गया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस निकल कर आ जाता है, बाकी गेम वगैरह तो मिल रहा है। और उसी के साथ अदर फीचर को देखा जाए तो स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट मिला है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो अपनी स्मार्ट वॉच पे ही देख सकोगे, कैमरा, म्यूजिक, टॉर्च, अलार्म, DND, वेदर फॉरकास्ट जैसा फीचर भी आप देख सकोगे, दोनों स्मार्ट वॉच से कंट्रोल वगैरह कर सकोगे। तो ये फीचर कॉमन है जो कि आपको दोनों में मिल रहे हैं। अब प्राइस को देखा जाए तो क्वांटम की प्राइस है 4249
₹500 अमेजन पे, जबकि यहाँ पे इनविंसिबल प्लस के क्या है कि ये कल लॉन्च की जाएगी ₹3999 पे, यानी कि ₹4000 में। अब देखा जाए कि ओवरऑल कौन सा परचेस करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच, क्योंकि सब कुछ इसका बेस्ट है, प्राइस भी यहाँ पे ₹200 कम लग रही है और यहाँ पे फीचर बिल्ड क्वालिटी डिजाइन ए टू जेड काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो आप इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिनकी रिस्ट थीन है वो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि उनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थीन रिस्ट वाले बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और गर्ल्स हो गई तो गर्ल्स भी ज्यादातर चांस है कि मत ही लीजिएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका स्टेप भी बोल्ड है, साथ साथ में जो डायल दिया गया वो भी काफी ज्यादा बोल्ड है, और इसमें आपको 2.5D कप ग्लास का सपोर्ट नहीं दिया गया, थोड़ा सा टेपर दिया गया, जिसकी वजह से जिनकी यहाँ पे कलाई बोल्ड रहेगी उनके ऊपर ही अच्छा लगेगा, थीन रिस्ट वाले पे अच्छा नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग बातें करते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगी, अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंप्रेशन और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अनबॉक्सिंग, तब तक के लिए जय हिंद।